पहाड़ को जो है बीच में काट के जो है रोड बनाया गया है दोनों साइड इस टाइप का। अभी जो है हमारी ट्रेन में जो है कि वो थोड़ा सा जो है कि कुछ मैकेनिकल जो है प्रॉब्लम आ गया है। मैं आपको बाहर से जो है डीजल इंजन का लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। ये जो है कि डीजल का लोकोमोटिव है। एक बार बोर्ड करते हैं फिर जाके बाकी चीजें जो है कि मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ से जो है एक स्पेशल जर्नी जो है हम लोग का वो स्टार्ट होने वाला है। इस रूट पे जो है एक सीनरी जर्नी स्टार्ट है जो कि दार्जिलिंग के लिए जो है टॉय ट्रेन जाती है। देश में जो है कुछ चुनिंदे जगह पर जो है आपको टॉय ट्रेन वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट अभी दिखेगा। ऑलमोस्ट जो है सारे जितने भी नैरो गेज ट्रैक वगैरह है या फिर वो अपग्रेड हो चुके हैं मीटर गेज में। तो ये एक जो है कि कुछ चुनिंदा साइट में से एक साइट है और इसे जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर साइट में भी जो है कि जो इसको अपग्रेड किया गया है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है इंडिया में। बहुत ही सीनरी रूट है। मैंने एक दो ब्लॉग जो है रिसर्च के पर्पज़ से देखा था तो बहुत सीनरी रूट है और एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। ज़्यादातर लोग जो है इस रूट पर आप पहले ट्रैवल नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। ब्लॉगर वगैरह भी जो है कि अब इसका ब्लॉग बना रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि 7 से 8 घंटे का सफ़र होता है, बहुत हैटिक होता है। मुश्किल से दार्जिलिंग यहाँ से 150 किलोमीटर होगा तो उसके लिए जो है कि बहुत हैटिक हो जाता है। तो रीज़न है कि पहाड़ में चलना एक तो जो है कि वो पहले के ज़माने का इंजन है, कई सारा प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फास्ट चल नहीं सकता पहाड़ में। तो ये सब सारे रीज़न से जो है कि वो थोड़ा स्लो ही चलता है। बाकी चेंजेस वगैरह का भी जो है कि बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है ओल्ड ही कॉन्सेप्ट से चल रहा है, तो रीज़न ये भी है। बाकी है कि ये तो बंद होने वाला है नहीं, आने वाले समय में हो सकता है कि एक नया रेलवे लाइन जो है कि दार्जिलिंग या फिर बाकी और पहाड़ी जो है माउंटेन एरिया के लिए जो बन जाए, बट लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला। तो आप इसका जो है एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें। अगर बाकी अगर आप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आप ब्लॉग देखें हमारा और उससे जो है कि आप जो है इंजॉय करें। बाकी मैं टाइमिंग वगैरह का बता देता हूँ। 10 बजे जो है वो डेली यहाँ से जो है कि दार्जिलिंग के लिए खुलती है और बाकी दार्जिलिंग से कितने बजे होती है एक बार वहाँ वो भी आप चेक कर लें। सेकेंड चीज़ के बहुत सारे जो है ब्लॉगर जो है वो चीज़ बता रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता इसका, तो नहीं अब ऑनलाइन बुकिंग होता है आई आर सी टी सर से। मैं खुद जो है कि वो ऑनलाइन बुक किया हूँ और आप भी कोशिश करें अगर प्लान कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही बुक कर लेने का। रीज़न क्या है कि ऑनलाइन बुकिंग होता है तो फुल हो जाता है बहुत जल्दी। मैं अभी मॉर्निंग में चेक भी किया हूँ तो फुल है पूरा टिकट। तो वो चीज़ को जो है कि आप जो है कि पूरा देख लें एक बार। बाकी जो है ये चीज़ जो है कि 10 बजे इसका टाइमिंग है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो कि स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया प्लेटफॉर्म है, पुराना वाला ही उसको सेपरेट कर दिया गया, तो वहाँ से खुलती है ये। तो लेट नहीं करें, ऑन टाइम पहुँच जाए ताकि जो है कि आपका जो है कि छूटे नहीं। बाकी जो है कि चीज़ें जो है अभी हम लोग इस पर ट्रैवल करेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेंगे कि किस टाइप का है और कितना जो है कि हैट्रिक है या कितना इंजॉयबल है ये सफ़र। तो वो चीज़ इस टाइप का जो है वो ट्रैक है इसका, छोटा वाला जो पहले जो है कि इस टाइप से ट्रैक वगैरह चलता था इंडिया में उस टाइप का, अभी तो अपग्रेड कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो स्पेशली जो है इसी ये ट्रैक जो है कि इसके लिए ही जो है डिज़ाइन किया गया इस पर ट्रेन वगैरह के लिए। पहले के ज़माने में जो है इसी टाइप का ट्रेन जो है इंडिया में वो जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर बाद में जो है कि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके साथ साथ जो है इसे अपग्रेड करते चला गया गया। तो अभी तो हाई स्पीड ट्रेन वगैरह आ गई है, तो आप एक बार देख लें ये चीज़ें जो है कि अब बहुत कम जो है अब देखने को मिलता है। अभी जो है हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। ये जो है कि प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली जो है वो टॉय ट्रेन के लिए ही जो है कि रिजर्व करके रखा गया, तो यहाँ से ही टॉय ट्रेन खुलती है। तो अब अगर आएंगे तो आपको यूनिक वो एग्जैक्टली जो है कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और जो है कि आपको जो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ आने में और ट्रैवल करने में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ उस पर ट्रैवल करने में, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कि ट्रेन पे जो पहाड़ में जो है कि ट्रेन से ट्रैवल किया जा रहा है, तो वो जो है कि मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी है कि कितनी है, बट लेकिन सेफ़ है। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं डेली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट बहुत सेफ है। ये जो है लोकोमोटिव है जो कि डीजल लोकोमोटिव है, इसमें जो है कि स्टीम लोकोमोटिव भी है वो अभी शायद नहीं चल रहा है। आप ये देख लो कितना पुराना जो है शायद है।
हमारी टॉय ट्रेन जो है वो लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, और जो है कि इसमें जो है कि दो क्लासेस है, एक हो गया जो कि एसी और एक नॉन एसी। तो एक बार जो है कि मैं अंदर चलता हूँ, आपको जो है कॉम्बिनेशन सीट का जो है वो दिखा देता हूँ। लगेज वगैरह रखने के लिए जो है कुछ जो है यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो हैवी लगेज है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करके चलना होगा। तो ये जो है इसका टॉय ट्रेन का जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट है, 2x2 का कॉन्सेप्ट है, और बीच में जो है ये 2x2 का कॉन्सेप्ट है, और बीच में थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे जो है लगेज के लिए जगह है, बाकी जो है ये नहीं। और इसमें जो है कि कोई गार्ड रूम वगैरह नहीं है, साथ में ही जो है यहाँ पे दिया गया वो गार्ड रूम वगैरह के लिए। और पीछे आप लगेज रख सकते हो, पीछे थोड़ा जगह है गार्ड रूम जहाँ पे है, तो सब कुछ एक ही साथ है। बहुत छोटा सा ट्रेन है, बहुत ज़्यादा जो है कि बड़ा नहीं है, दो ही जो इसमें कोच है। और एक बार मैं आपको एसी, इसमें बस जो है आप विंडो वगैरह खोल सकते हो, और जो है कि ये खुल तो नहीं रहा बट लेकिन इसे आप खोल सकते हो, इससे आप जो है कि रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि ये नन एसी है। तो और साइड में जो है लगेज वगैरह रखने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया, जो कि लगेज वगैरह के लिए होना चाहिए। बाकी एक बार मैं आपको जो है कि एसी बॉगी में लेकर चलता हूँ, और मैं उसका भी जो है आपको सीटिंग दिखा देता हूँ। ये हो गया एसी के लिए, जो एसी चेयर कार है उसमें, इसमें जो है 1x2 का सीटिंग है आप जैसा देख रहे हैं, और साथ में जो है यहाँ पे ये गार्ड रूम वगैरह होगा आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे जो है एसी के लिए जो है इंजन जनरेटर लगाया गया है, आप जैसा देख रहे होंगे कि एसी को रन करने के लिए यहाँ पे एक जनरेटर लगाया गया है। तो इसमें जो है एसी है, साथ में इसमें एक जो है कि प्रोविजन देता है कि आपको टॉयलेट रूम भी है। ये जो है इसका वाशरूम हो गया, नॉक है खुल नहीं रहा है थोड़ा, इसे जो है कि वाशरूम भी है, एक प्लस पॉइंट भी है, और साथ में जो है ये लोकोमोटिव है। और लोकोमोटिव जो है वो डीजल इंजन है, ओल्ड डीजल इंजन, जो कि आप देख रहे हैं कितना यूनिक और हेरिटेज जो लोकोमोटिव है। ये भारतीय रेलवे का ही इंजन है, और ये जो है जिसे टाइम टू टाइम रिपेयर करके जो है वो चलाया जाता है। और इसका जो है सफ़र जो है वो और भी ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहेगा, और सीन तो सीनरी जो है बहुत ही लाजवाब है इस रूट का। तो एक बार तो आप ज़रूर जो है कि प्लान करें। अभी कालका शिमला वाली तो बंद है, और एक अभी हमारे साथ जो है कि भाई साहब हैं ब्लॉगर, तो उनसे भी मैं आपको एक बार जो इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो हम लोगों के साथ। और कोई इंसिडेंट देखो कि हम लोग जो है और एक ही जो है कि सीट नंबर जो हमारा एक ही साथ है, ये कोई इंसिडेंट है, हमने ना तो प्लान करके बुक किया था और ना ही कुछ ऐसा था, बट लेकिन हम साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये उनसे भी मैं एक बार आपको मिलाऊंगा। अब वो अपने जो है कि वो भी अपने काम में है, वीडियो वगैरह ब्लॉग रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैं एक बार उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊंगा। बाकी है कि उन्होंने बताया कि मुंबई में भी एक रूट कोई चलती है, बट लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लोग वहाँ पर रात में जाके बैठ जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। और IRCTC से टिकट जो आप बुक कर सकते हैं, बट लेकिन एसी में ख़त्म था टिकट, इसलिए जो है कि मुझे जो है वो इसे ही बुक करना पड़ गया, वरना मैं जो है कि एसी से ही बुक करता, क्योंकि 100 का डिफरेंस है, ज़्यादा का नहीं है, और थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है 2x1 का सीटिंग कैपेसिटी है, और नॉन एसी में जो है 2x2 का है। तो चलिए एक बार ट्रेन जो है कि चलती है, फिर जाकर मैं जो है कि आपको बाकी जो है बातें वहाँ पर करते हैं। अभी जो है हमारी ट्रेन में जो है कि वो थोड़ा सा जो है कि कुछ मैकेनिकल जो है प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि पुरानी इंजन है, तो और ये जो है कि थोड़ा सा इशू हमेशा रहता है। तो जो है कि मिस्त्री साहब आए हुए हैं, जो मिस्त्री जो है कि वो अभी इसको रिपेयर करेगा, तो अब देखते हैं। टाइमिंग तो 10 बजे है, मे बी अब आधा एक घंटा लेट से, तो अब हम लोग देखते हैं क्या तक कितने देर तक पहुँचते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है, मैंने कोशिश किया कि मैं ड्राइवर साहब का जो है एक बार मैं इंजन के बारे में जानूँ उनसे और ये करूँ, बट लेकिन उन्होंने जो है कि अलाउ नहीं किया, और बोले ठीक है, उनका भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से जो है कि वो हो जाए। हाँ, मैं अगर मेरे पास परमिशन लेटर रहता तो मैं जो है कि ज़रूर उसको जो है कि करता, बट लेकिन जो है कि वो मेरे पास है नहीं। तो अब इसमें अब टाइम लगेगा, तो थोड़ा मैं जो है कि लग रहा है कि तो जो टाइमिंग है उससे थोड़ा लेट ही हम लोग पहुँचेंगे। तो चलो मैं आपको बाहर से जो है डीजल इंजन का लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। ये जो है कि डीजल का लोकोमोटिव है, आप देख लो, इस टाइप का लोकोमोटिव होता है, जो कि पहले के ज़माने में जो है वो चलता था, वो ब्रेक सिस्टम वगैरह आए थे, और यहाँ पे जो है सारा कंट्रोल वगैरह है, और ये हो गया लीवर इसका। तो एक ये जो है इससे पहले आपने जो है कि नहीं देखा होगा किसी वीडियो में कि पुराने ज़माने में जो है लोकोमोटिव इस टाइप का होता, देखा था, आइडिया लगा मैंने,
और डीजल उन्हें किस टाइप का होता था, और ये आगे उसका जो है कि पूरा जो होता था, और डीजल वगैरह भी जो इसी में फिट किया जाता है, तो वो सारा यहाँ पे है। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो है कि जो व्हील होता है वो कितना छोटा व्हील बेस होता है। अब ये देख लो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अभी के लिए जो है एक तरह से यूनिक चीज़ हो गया। ये चीज़ें अभी आपको कॉमनली जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो मैं जहाँ तक पॉसिबल हो पाता मैं उन चीज़ों को जो है आपको दिखा देता हूँ। ये आप टायर देख लो कितना छोटा छोटा इसका जो है कि व्हील है, और ये जो है कि एकदम आप इसे देख लो इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से ये वर्क करता है, और पहले के ज़माने में किस टाइप से ट्रेन वगैरह जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, अभी तो लोकोमोटिव 911 भी आ गया है, बट लेकिन अभी इस रूट पे जो है कि मेनली जो है वो डीजल इंजन ही चलता है। यहाँ पे जो है अभी एक W4 जो है इंजन जो है वो जा रही है। ये कोई आई थिंक जो है कि कोयला वगैरह इसमें जो है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो है इस रूट पे जो है आपको जो है इंडियन रेलवे के बहुत सारे जो जो गुड्स कैरी ट्रेन होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली जो है कि ऑयल वगैरह को लेके, जो है कि पेट्रोलियम वगैरह को लेके, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया भी है कि यहाँ पे जो है रिफाइनरी भी है गुवाहाटी वगैरह के आसपास में। नॉर्थ में तो ईस्ट पे जो 7 सिस्टर्स स्टेट है, तो उस वजह से इस टाइप के जो है आपको ट्रेन वगैरह जो है कि फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएगा इस रूट पे। एक बात जो पता चली है, इस ट्रेन को चलाने के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है। कोई ब्रेक लगा रहा है तो कोई चेंज कर रहा है ट्रेक, बहुत सारा चीज़ है, मतलब सब चीज़ जो है कि मैन्युअली ही होता है। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे इस ट्रैक पे जो है कि वो ऑटोमेटिक नहीं है, सारा कुछ मैन्युअली ही करना होता है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि इस टाइप का मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ से ज़्यादा जो आपके लिए जो है कि वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और उसे जो है मैं आप तक जो है के लिए साझा कर पाऊँ। तो ये एक यूनिक चीज़ है, मतलब अभी बता रहे थे कि जो नॉन एसी वाला जो बोगी है उसमें ज़्यादातर जो है स्टाफ ही के लिए सीटी रिजर्व रहता है, क्योंकि इतने सारे स्टाफ जो है किसके साथ चलते हैं, तो पूरा सेफ्टी का जो है कि पूरा ख्याल रखा जाता है। फाइनली जो है ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इंजन में जो प्रॉब्लम था वो भी जो है कि दूर हो चुका है। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है यहाँ से, और सारे स्टाफ वगैरह और जो पैसेंजर वगैरह हैं वो चढ़ चुके हैं। तो ये जो है ग्रीन लाइन जो है वो दिखा दिया गया है, रिपेयरिंग वगैरह का काम जो है वो सारा यहीं पे होता है। ये सारा जो है उसका जो सामान वगैरह वो सारा रखा हुआ है, तो सारा कुछ जो है कि वो यहीं पे एक तरह का रूम बना रखा है, यहीं से मैनेज होता है। और ये जो है कि ट्रेन वगैरह के लिए रखने के लिए जो प्लेसेस होते हैं वो यहाँ बना हुआ है। अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन, और वहाँ से जो है फिर आगे के लिए होगा। ये सिलीगुड़ी जंक्शन होते हुए जो है कि फिर आगे दार्जिलिंग के लिए जाती है। तो बोर्डिंग पॉइंट है कि नहीं है मैं एक बार कन्फर्म होकर आपको बता दूंगा, लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी से जो है खुलती है, तो बेटर है कि आप न्यू जलपाईगुड़ी आ जाएँ। 16-17 किलोमीटर है वहाँ से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से आपको जो है इनफ टाइम मिल जाता है फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो जो है कि बेस्ट रहेगा कि आप जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आ जाएँ और फिर वहाँ से जो है बोर्ड करें। अभी जो है हम लोग एंटर कर रहे हैं मेन लाइन में, तो इसमें जो है कि मेन लाइन में जो है कि दोनों लाइन जो है कि एक साथ है, जो कि पहले जो है नैरो गेज जो चलता था वो लाइन और जो है कि मेन लाइन, और साइड में भी जो है कि एक नैरो गेज जो है कि वो चल रही है इसका, कि पहले के जब ये रेलवे बहुत पुराना ये रेलवे स्टेशन है, इसका जो है कि हिस्ट्री वगैरह जो है कि हम लोग जो है कि लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे, तो फिर आप जो है वो देखोगे इसका जो है कितना पुराना जो है कि एक इतिहास है। तो अभी हम लोग जो है वो मेन लाइन प्लस जो है कि और लूप साथ में जो है कि टॉय ट्रेन की जो लाइन है नैरो गेज लाइन उसके साथ ही चल रहे हैं। स्टाफ लोग जो है वो झंडा दिखा रहे हैं, पासिंग के लिए वो झंडा दिखाया जाता है, और
हम लोग जो ऑन बोर्ड हैं अभी इस वाइट ट्रेन से, इतना ज़्यादा टाइम लेने का वो है इसका स्पीड, वो 30-35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही स्पीड रहता है। और पहाड़ में जाने के बाद तो ये जो है बहुत ज़्यादा और कम हो जाता है। तो मेनली जो है कि यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है कि इसका जो है स्पीड बहुत कम रहता है, टाइम लेता है सबसे आगे। बाकी जो ट्रेन जो है वो मार्केट होकर गुजर रही है, ये हम लोग जो कभी कभी वीडियो वगैरह में देखे हैं, मार्केट होकर ट्रेन गुजर रही है, दोनों साइड जो है वो मार्केट है और बीच में जो है रेलवे ट्रैक है। ये पहले का बना हुआ है उतना ज़्यादा ट्रेन, सिर्फ एक यही ट्रेन जो है नैरो गेज की चलती है। स्टेशन पे जो है पहुंचे हैं, बहुत सारा पैसेंजर जिसका जो न्यू जलपाईगुड़ी से अगर ट्रेन छूट जाती है टॉय ट्रेन तो वो आप जो है सिलीगुड़ी आ सकते हैं, क्योंकि ये सोलो चलती है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे हैं, तो ये एक जो है कि प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ भी बोर्ड कर सकते हैं, अलाउ करते हैं ये लोग बोर्ड करने के लिए, तो ये एक आपके लिए जो है कि प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी है कि आप जब न्यू जलपाईगुड़ी से जो है कि इधर सिलीगुड़ी वगैरह के साइड निकलते हैं तो सिटी में जो है कम से कम मोबाइल को जो है आप बाहर यूज़ नहीं करें निकाल के, क्योंकि कोई भी लेके भाग सकता है, ये प्रॉब्लम रहता है। तो इस चीज़ का जो है कि आप जो है कि स्पेशली जो है कि वो ख्याल रखें कि मोबाइल को जो है कि थोड़ा यूज़ नहीं करना है। बाद में जो सीनरी जब स्टार्ट होगा, मेन तो जो पर्पज़ है वो है, तो वो जो है कि आप वहाँ से फिर स्टार्ट करें। तो इन्होंने जो है कि हमारी टीटी तो उन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर किया। बाकी उन्होंने बोला कि अलाव है, चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेट हो जाता आप छूट जाती है एक प्लस में। और यहाँ पे जो है अभी 10:30 के आसपास जो है कि पहुँचती है, 10 मिनट 10:30 के ऑलमोस्ट जो है कि उसकी टाइमिंग है, वो यहाँ पे पहुँच जाती है जो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन जा रहा है, ताकि फ्रिक्शन क्लियर हो सके, क्योंकि जो है कि ढलान पे चढ़ेगा तो उसमें जो है कि सेंट दिया जाता है व्हील में, ताकि वो स्लिपी ना हो और वो ऊपर फ्रिक्शन क्लियर करे ताकि आगे की तरफ नहीं, वो उसका बॉक्स होता है, उस बॉक्स में डालते हैं फिर उससे वो व्हील में जाता है, इंजन के व्हील में जाएगा, यहाँ भी होगा कई जगह बॉक्स। अभी हम लोग जो है सिलीगुड़ी से जो है वो निकल चुके हैं, जो है वो सिलीगुड़ी के आउटर प्लेस पे है, कह सकते हैं कि ये दार्जिलिंग के लिए जो रूट जाती है उसी रूट में। तो फाइनली जो हम लोग क्राउड से जो है वो निकल चुके हैं, और साथ में जो है रोड चल रहा है उसके साइड में जो है बहुत सारी टी स्टेट वगैरह है, और उसका जो है कि फॉरेस्ट वगैरह है साइड में, जो पेड़ वगैरह है वो लगा हुआ है। तो आप धीरे धीरे जो है हम लोग वो हाइट पे भी जो है कि चढ़ रहे हैं, गेन करना स्टार्ट हो गया है। ट्रेन का स्पीड वही 20-25 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जो है कि वो चल रही है ट्रेन। तो बाकी जो है कि नेक्स्ट स्टॉपेज देखते हैं हम लोग का कौन सा है, तो फिर वहाँ से मेनली जो है कि जो हमारे स्टाफ है ट्रेन के, उन्होंने बताया कि उसी स्टेशन के पास ही जो है वो आप जो है एक फॉरेस्ट का व्यू वगैरह और सीन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें जो है कि वहाँ चलते हैं जाके। अभी जो है हम लोग वो सुकना रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से जो है कि आपको मेनली जो है कि फॉरेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है कि सिलीगुड़ी का आउटर एरिया हो गया, यहाँ पे एक सुकना बाज़ार भी है और यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह भी है, तो आप वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। हार्डली जो है 5-10 मिनट का स्टॉपेज होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि ये मैनुअल इंजन सब कुछ करना होता है, और प्लस जो है कि डीजल इंजन है वो भी पुराना है, तो टाइम टाइम जो है इसे चेक भी करते रहना पड़ता है, तो ये एक ये है। तो चलिए जो है कि ट्रेन खुलती है, फिर आगे जो है कि आप सीन्स वगैरह जो है वो आप एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग जो है वो फॉरेस्ट से जो है कि वो गुजर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है कि हम लोग हाइट भी गेन कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है कि हम लोग हाइट के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो है एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और मेरे लाइफ में तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लोग फॉरेस्ट के बीच से उठ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साइड वगैरह से या फिर कुछ ऐसा नहीं है, बीच होके हम लोग जा रहे हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि इसके आस पास होगा, तो वो है, बट लेकिन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट लेकिन अपने आप में जो है कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो एक बार तो बनता है इस रूट पर जो है कि आपका जो है कि ट्रैवल करना, जो है कि आप अपने लाइफ में प्लान करें ताकि जब तक है, क्योंकि ओल्ड चीज़ है कभी भी बंद हो सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो टाइम रहते हुए अगर बाकी जो है कि ब्लॉग तो है ही है, आप यहाँ से तो सीनरी जो है कि विजुअल जो है कि वो आप यहाँ से जो है कि ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है कि हम लोग हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं, तो इंजन को भी जो है कि अपना ज़्यादा हॉर्स पावर वगैरह बढ़ाना पड़ रहा, यूज करना पड़ रहा, और मैं उसको जो है कि वर्ड में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कितना सीनरी है और कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इस रूट पे जो है कि एक बार तो आपका बनता है एक्सप्लेन एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, या देखो ये सामने एक गाड़ी रुकी हुई है और बीच हाईवे होकर हम लोग क्रॉस करके जो है कि फॉरेस्ट को दूसरे साइड जा रहे हैं। साथ के साथ जो है कि रोड भी चल रही है, पहाड़ को जो है बीच में काट के जो है कि रोड बनाया गया है और दोनों साइड इस टाइप का जो है आपको हाइट दिखेगा। और तो मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट विजिट जो है कि ट्रेन जर्नी है, आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और आने वाले समय में अगर इस रूट में अगर एक स्टारडोम कोच चल जाए तो सोना पे सुहागा और उसका तो क्या बोलते हैं ना क्या, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कितना ज़्यादा जो है वो सीनरिक हो जाएगा। तो एक बार तो मस्त विजिट है प्लेस है, बाकी जो है कि आप मेरे साथ जो है कि विजुअल जो है कि आप इंजॉय करें और इस फॉरेस्ट का जो है कि आप काश एक दो जो है कि टाइगर वगैरह या फिर और बाकी जो है कि जानवर दिख जाए तो फिर क्या बोले और मज़ा आ जाएगा। अब आइडिया लगा सकते हैं कि अभी हम लोग कितना हाइट पे हैं, ये देख लो बहुत ज़्यादा हाइट है और इस तरह से आपको पूरे दार्जिलिंग तक जो है रोड क्रॉसिंग दिखता रहेगा आपको। ये जो है कि अभी जो है कि हम लोग जो है कि धीरे धीरे जो है कि हाइट गेन कर रहे हैं क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो ऊपर पे पड़ता है। सर आपको ऑर्डर देना है, यहाँ पे जो है रोड वगैरह का काम भी चल रहा है, जो है कि आई थिंक यहाँ पे वाटर वगैरह का जो है कोई सप्लाई के लिए जो है कि पूल वगैरह बनाया जा रहा है। इस टाइप का स्टेज जो है कि वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा पहाड़ वगैरह में, जहाँ जो भी लगता है कि पानी ज़्यादा साफ है तो वहाँ पे जो है ज़रूरी है, वरना फिर अनएक्सपेक्टेड जो है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है, ये चलता रहता है। हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो एकदम एज हो पहाड़ जो है उसके एज पे कर रहे हैं, माउंटेन के एज पे। जब ट्रैक है उसके बाद जो है वो खाई है, तो आप सोच सकते हो कितना डेंजरस जो है रूट है। इसको टाइटल दिया जा सकता है मोस्ट डेंजरस एंड सीनरिक रूट जो है वो कर सकते हैं। आप देख लो कितना मतलब एकदम एज ऑफ माउंटेन जो है कि हम लोग चल रहे हैं और इसको इस तरह से डिज़ाइन और टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है। और आप देख लो सामने कितना ज़्यादा हाइट पे है, ज़रूर है तो 400-500 मीटर के कम हाइट पे है डेफिनेटली। प्लस ये फॉरेस्ट ये देख लो, ये जो अभी हम लोग को रेलवे स्टेशन पे आए हैं, नाम तो मैं नहीं देख पाया बट लेकिन आप गेस कर सकते हैं किसी रूट पे कोई लाइन नहीं है। हाँ यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो है कि इंजन का वगैरह देखा जाता है, पानी वगैरह ले सकते हैं दौड़ के जाके, सामने जो है जो होटल वगैरह है तो पानी और स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी जो है रेलवे में जिस तरह से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो एक मेंटेन कराया जाता है, ये दीदी जो है वो
इस रूट पे जो है अभी काम वगैरह भी जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है कि मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और इस पे जो है कि तो काम हमेशा चलता ही रहता है। और जिस हिसाब से अभी जो है माउंटेन वगैरह पे जो है एक्सीडेंट वगैरह हो रहा, हादसा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा प्रिपेयर रहना भी वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का जो है जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा ख्याल रखती है, जो भी अथॉराइज अथॉरिटी होती है वो भी, और जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है कि ऐसा कोई हादसा ना हो। बाकी नेचर है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, वो कभी भी हो सकती है। सारे एक्सपीरियंस जो है वो एक ही ट्रिप में हो जाएगा। अभी जो है वो ट्रेन को थोड़ा रिवर्स किया जा रहा है, क्योंकि हाइट पे जो चढ़ेगा तो उसके लिए यहाँ से जो है कि पहले चेंज किया गया है, और फिर जाके जो है वो रिवर्स किया जा रहा है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ इसे करना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना हाइट पे हम लोग चढ़ेंगे, तो उस हाइट पे चढ़ने के लिए रिवर्स करके ये जो है आगे किया जा रहा है। अब ये रिवर्स चल रही है, बेसिकली क्या है कि हम लोग इस साइड से आए ऊपर और फिर रिवर्स करके अब हम लोग दूसरे साइड से जा रहे हैं, तो आगे जो है वो फिर ये हो जाएगी। ये देख लो रिवर्स जा रही है, अभी हम लोग जो है वो रिवर्स जो है कि जा रहे हैं। तो ये अपने अपने जो है कि एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अब फिर से जो है वो रिवर्स करके हम लोग ऊपर आ गए हैं, और अब जो है कि फिर हम लोग जो है कि ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तो उसके लिए जो है ट्रैक चेंज किया जा रहा है। इसके लिए जो है कि यहाँ पे एक स्टॉप था, वो ट्रैक चेंज हो गया। अब हम लोग जो है वो फिर ऊपर की तरफ हाइट पे चढ़ रहे हैं। मेनली है कि हम लोग वहाँ से आए और रिवर्स करके ऊपर आए, और फिर आप जो है कि हम लोग ये वाला ट्रिक से हम लोग रिवर्स करके ऊपर आए, आप फिर जो हम लोग ऊपर हाइट पे चढ़ रहे हैं। तो इस टाइप का जो है जर्नी जो है आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा। आप समझ लो कि कितने नीचे से हम लोग रिवर्स करके आए हैं वहाँ वो वाली ट्रिक से, और फिर हम जो है ऊपर आप हाइट पे चढ़ रहे हैं। ट्रेन जो है फिर से जो है कि रिवर्स करके जो है कि फिर बैक लेके जाया जा रहा है, और फिर जो है कि अभी बहुत देर तक जो है कि वो बैक चलेगी। हाइट को जो है वो ऊपर चढ़ाने के लिए इस टाइप का जो है कि टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस बहुत कम होता है, तो उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। और अभी आप ऊपर चढ़ने के लिए जो है ये फिर से जो है कि रिवर्स चल रहा है। रिवर्स जो है ऊपर जाएगा, ये रिवर्स जाने के बाद फिर इस होके जो है वो हम लोग फिर हाइट पे जाएंगे। ये जो ट्रैक जा रही है इसी डायरेक्ट से, तो ये अपने आप में एक जो यूनिक एक्सपीरियंस है। आपने जो है कि ऐसा बहुत कम देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, बट लेकिन इस ट्रिप में जो है कि वो आपको जगह जगह पर जो है इस टाइप से देखने को मिलेगा। यही कारण भी है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, 7 से 8 घंटा जो लगता है, क्योंकि इन चीज़ों को करने में जो है सारा मैनुअल है, तो इन चीज़ों को करने में भी टाइम लगता है, और तो इस वजह से जो है टाइम कंज्यूमिंग जो है कि होता है, तो जिसकी वजह से जो है कि फिर ट्रैवलिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, और 7 से 8 घंटा मिनिमम लग जाता है। ये जो है ब्रेक लगाने का सिस्टम है, यहाँ से जो है ब्रेक लगाया जाता है ताकि ट्रेन को रोका जा सके, या जैसे ब्रेक हो तो उसको जो है कि रोका जा सके, क्योंकि हाइट पे चढ़ने के बाद जो है पीछे भी जाने का जो है वो डर रहता है। तो ये ब्रेक सिस्टम हो गया, तो मेनली ब्रेक सिस्टम यही है, क्योंकि इसमें जो है वो गार्ड रूम जो है वो नहीं है,
यहीं से ऑपरेट किया जाता है। ये जो है हम लोग तीसरा क्रॉसिंग पे हैं, इस टाइप का जो है कि टोटल इस रूट में जो है कि 6 क्रॉसिंग है, इसको जेड क्रॉसिंग बोलते हैं। ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इस टाइप से करके ये जेड का सिंबल जो है वो बनाता है। तो पहाड़ में जो है कि स्पेस कम है तो उस हिसाब से मैनेज किया गया और इस क्रॉसिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये रूट जो है वो बहुत ओल्ड रूट है और जो है कि स्पेशली जो है कि अंग्रेजी लोग जो है यहाँ पे वो अपना वैकेशन लगाने के लिए यहाँ पे आते थे। विंटर समर के टाइम में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो वो लोग अपना जो उनका जो है कि कैपिटल वगैरह होता था उसको ऐसे प्लेसेस पे जो है वो शिफ्ट कर लेते थे। तो उस वजह से जो है कि उन्होंने जो अपने सुविधा के लिए इसे डेवलप किया और बाद में जो है ये फिर आम पब्लिक के लिए आने लगा। अब ये देख रहे हैं अभी हम लोग जो है कि आप ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं, पहले ऊपर गए फिर रिवर्स ऊपर आए और फिर जो है कि ऊपर जा रहे हैं। तो ये तरह से जेट का जो है सिंबल जो है उसको है। और ये एक सिटी है फुल सिटी जो पूरा उस पर हाइट पे ही बना हुआ है। अभी जो है हम लोग वो टिनहरिया रेलवे स्टेशन पे जो है वो पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है कि 5-10 मिनट का हॉल्ट है, आप लंच वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लंच के लिए जो है वो आपको पहले से ऑर्डर देना होता है। प्राइस ठीक है, बहुत है भी तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। साथ में जो है ये रहा लंच जो है वो जो मैंने एक वेज थाली करवाया था तो वो है। अब बाकी खा के भी जो है कि टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा जो है कि वो उसका टेस्ट है, कितना क्वालिटी है, तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी एक बार रेलवे स्टेशन को आप देख लीजिए, पहाड़ के एज पे ही बना हुआ है। आप लोग कहाँ से हैं? यूपी बिहार, यूपी ओके, यूपी और बिहार दोनों, लखनऊ से। अच्छा, तो ये सर हैं जो कि यूपी से आए हुए हैं और ये दार्जिलिंग फर्स्ट टाइम विद माय फैमिली ये जो है लोग जो है फैमिली जो है यूपी से पूरी फैमिली आई हुई है और फैमिली टूर है। ये लोग 10-12 दिन से जो है कि वो पूरा विजिट कर रहे हैं। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू। तो इनका जो है कि एक्सपीरियंस जो है कि वैसे इस एरिया में जो है टूरिज्म जो है कि वो बहुत अच्छा है, बट लेकिन अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो इसको एक्सप्लोर करके आप तक जो है लेके आए ताकि आप भी जो है जल्दी जल्दी प्लान बनाएं। ये जो है वो वेज थाली है, साथ में चावल और दो तरह का सब्जी दिया गया है। करेला भिंडी का जो है वो भुजिया है, साथ में दाल पैक करके दिया गया है। और एक पापड़ है जो कि ये रहा पापड़। बाकी टेस्ट वगैरह जो है कि एक बार खाते हैं फिर जाके मैं बताता हूँ। टाइमिंग कम है तो पहले खा लेते हैं फिर जाके बताते हैं आपको। यहाँ पे जो है दो गाड़ी का जो है वो क्रॉसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से एक को जो है कि बैक करके जो है कि उसको जो डिसाइड किया जाएगा और फिर जाके उसे जो है क्रॉसिंग दिया जाएगा। तो एक सामने से आ रही है। मेनली क्या है कि दो गाड़ी वो चलती है, एक जो है वहाँ से दार्जिलिंग से जो है वो सिलीगुड़ी के लिए और एक सिलीगुड़ी से जो है वो दार्जिलिंग के लिए। तो उसी दो गाड़ी का जो है आपस में जो अभी चेंज किया जा रहा है। यहाँ से जो है दूसरे वाला जो टॉय ट्रेन है उसको जो है कि क्रॉसिंग दिया जाएगा और इसे रिवर्स करके जो है एक लाइन लूप लाइन में लाया गया और फिर जाके जो है कि दूसरे वाले को यहाँ से जाएगा। तो ये दूसरे वाला टॉय ट्रेन जो है वो आ रहा है जो कि दार्जिलिंग से आ रहा है। और अच्छा,
ये था मेन वाला, अभी और भी आएगा ऐसा अभी जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो कोई ट्रैफिक नहीं है। आगे पता नहीं कुछ हुआ है या फिर क्या है, तो बहुत सारी जो है वो गाड़ी जो है रोड साइड में ही लगी हुई है ट्रैफिक। कुछ तो हुआ होगा आगे, इसकी वजह से जो है बहुत लंबा जो है कि वो जाम लगा हुआ है। सारे टूरिस्ट गाड़ी वगैरह जो है वो, उनको एक प्लस पॉइंट हो गया कि टॉय ट्रेन का जो है वीडियो बनाने के लिए मिल गया, और ये उनके लिए जो है कि यूएसपी हो गया इस ट्रैफिक जो है। अच्छा इसको क्रॉसिंग देने ट्रेन को जो है क्रॉसिंग देने के लिए जो है इसे जो है कि रोक के रखा गया था, इतने सारे ट्रैफिक जो है हम क्रॉस हो जाएंगे फिर उसके बाद। घूम जो है अभी भी 26 किलो बचा हुआ है, और दार्जिलिंग जो है वो 33 किलोमीटर, जो कि अभी 2 से 2.5 घंटे और लगने हैं उसको इसको कवर करने, क्योंकि 15-20-10 का स्पीड जो है वो ट्रेन का रहता है, तो जिसकी वजह से जो है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अभी हम लोग जो है वो करसंग पहुंच चुके हैं, और करसंग जंक्शन पे जो है 10 मिनट का होल्ड है, तो आप 10 मिनट जो है यहाँ पे कुछ खा पी या रुक सकते हैं, आसपास जो है फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। तो बाकी जो है अभी हम लोग 4,800 फीट के आसपास हैं, और अभी जो है कि नेक्स्ट स्टॉपेज जो है हम लोग का वो रहेगा घूम जंक्शन, जो कि यहाँ से 28-27 किलोमीटर के आसपास जो है कि वो है, और उसके आगे जो है कि 33 किलोमीटर के बाद जो है कि वो दार्जिलिंग जो है 33 किलोमीटर स्टेशन। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे सीधा जो है घूम पे मिलता हूँ, तब तक जो है आप सीन वगैरह को एंजॉय करें। तो उसको टॉय ट्रेन पे जो है रोकाया गया है। एक अंकल है जो हम प्रताप में सफर कर रहे हैं, तो उसका जो है मोबाइल गिर गया वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। तो जनरली क्या है कि ऐसे जगह पे मना भी किया जा रहा था शुरू से, हम लोग तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम लोग पूरा सेफ्टी और प्लस जो है कि पूरा कंसंट्रेट होकर जो है उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ का जो है ध्यान रखें कि अननेसेसरी जो है कि आप वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड करें, और प्लस जो है कि अगर आपके पास ट्राइपॉड वगैरह ना हो तो बाहर निकाल के तो कम ही करें। तो वो जो है अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, वो देखते हैं अभी तो आता है तो, बट लेकिन इस चीज़ का जो आपको ख्याल रखना था कि ये चीज़ें जो है खासकर ट्रेन जर्नी में, और स्नेचिंग भी होता है, ये तो चलो ठीक है गिर गया बट लेकिन स्नेचिंग भी होता है। चलती हुई ट्रेन पे कोई आपसे अगर मोबाइल छीन लेगा तो उसको आप जो है कि रिकवर नहीं कर सकते। अभी तो चलो रुक गई है ट्रेन, आप जाकर रिकवर कर ले रहे हो अगर मिल जाती है तो, बट लेकिन ये है। तो आप जब भी जो है कि जर्नी करते हैं तो आप अपने फ़ोन, अपने गैजेट वगैरह या फिर अपने लगेज का जो है स्पेशली जो है वो ख्याल रखिए, और रिकॉर्डिंग वगैरह में जो है कि थोड़ा केयरफुल होके और स्ट्रॉन्गली होल्ड करके जो है कि वो आप करें, ताकि जो है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो गिरे नहीं मोबाइल वगैरह। ये पाइन ट्री है, उसके बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, दार्जिलिंग में भी जो है एक पार्क है जहाँ पे पाइन ट्री बहुत सारा है, तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत के बीच में गया है।
अभी हम लोग जो है घूम रेलवे स्टेशन पे जो है वो पहुंच चुके हैं। ये पास में ही एक जो है म्यूजियम बना हुआ है और घूम पे जो है एक मोनेस्ट्री भी है। यहाँ से दार्जिलिंग जो है वो 3 किलोमीटर है और ये जो है कि हाईएस्ट पॉइंट हो गया इस लोकेशन का। दार्जिलिंग में जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, 7000 कुछ है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा बट, लेकिन ये है। और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, अगर आप ट्रिप वगैरह लेते हैं तो उसमें भी जो है ये इंक्लूड रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत जैसा बना हुआ है और यहाँ पर जो है एक इसका इंजन भी लगा हुआ है जो ये स्टीम इंजन होगा आई थिंक, हाँ स्टीम इंजन है या फिर डीजल इंजन होगा। ये उसका जो है एक तरह से रेप्लिका बना हुआ है यहाँ पे। और स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे जो है कैंटीन वगैरह भी है खाने पीने के लिए। और शबनम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से पूरा धुंधला बन गया है जो है ये। और बाकी जो है कि ठंड भी लग रही है, अभी मैं जाता हूँ तो मैं भी जैकेट वगैरह, क्योंकि मैं सब टी शर्ट में ही हूँ। और इस जो है कि घूम स्टेशन पे जो है हम लोग अभी मटका चाय पी रहे हैं। ये चाय का तो बहुत सारा किस्म होता है, मैंने तो कई सारा जो है पी रखा है और मैं ज़रूर जो है कि इसको एक बार एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। अभी ये जो है कोयला इंजन है, तो ये अपने आप में जो है वो यूनिक है, ये जो है कोयला से चलती है। हाँ, इसमें कोयला मिली जो है डाला जाता है उससे जो है ये चलती है। तो हमारी भी ट्रेन जो है वो खुलने वाली है। फाइनली जो है हम लोग दार्जिलिंग जो है वो पहुंच चुके हैं। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे हम लोग इंटर कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है वो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंच चुके हैं। 8 घंटा ऑलमोस्ट जो है कि जर्नी में लग गया है, तो 8 से 7 घंटा का टाइमिंग जो है वो रहता ही है आने में। तो वो एक जो है कि अगर आप जो है कि इतना टिकल नहीं कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन है कि आप टैक्सी ले लें, 3 से 4 घंटे में जो है कि आप लोग पहुँच सकते हैं। बट लेकिन जो मज़ा है जर्नी का वो आपको टैक्सी में तो मिलेगा नहीं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप जो है वो कि अगर हो सके तो 1 टाइम जो है ज़रूर आप उसको जो है टॉय ट्रेन का जो है कि जर्नी जो है प्लान करें दार्जिलिंग के लिए। 12 से 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड से चलती है, तो जिसके वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। दार्जिलिंग यहाँ से जो है सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग का डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। बट लेकिन टाइमिंग जो है वो 7 से 8 घंटा मैक्सिमम, और अगर बीच में कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गया तो फिर जाके जो है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो गया तो फिर टाइम और भी लग सकता है। सिटी जो है 4 बजे के बाद जो है कि अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है 4:30 बजे के बाद, क्योंकि जितने जो है कि आप हाइट पे ऊपर जाते हो उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे फॉग वगैरह आने लग जाता है, जिस वजह से सिटी जो है वो अंधेरा होने लग जाता है। बाकी जो है अभी हम लोग होटल वगैरह कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, तो अभी बाहर चलते हैं फिर होटल वगैरह देखते हैं जो है कि फिर। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है जो भी होगा वो आपको होटल से दे दिया जाएगा, कुछ जो भी है किस तरह से करना है प्लान और क्या क्या ये है वो सारा। मैं एक बार होटल पहुँचते हैं हम लोग, फिर जाके जो है वहाँ से ही मिलेंगे और सरप्राइज जो है वो आपको होटल में मिलेगा। फाइनली जो है हम लोग होटल पहुँच चुके हैं। होटल जो है ये हम लोग मॉल रोड पे ही लिए हैं, चीप एंड बेस्ट में मिल गया है, 900 का रूम पड़ा है। साथ में जो है कि एक भाई और है जो मुंबई से है, वो भी ब्लॉगर ही है, तो हमने मिला के ही ले लिया तो थोड़ा चीप पड़ गया। एक पास में ही होटल था वो भी अच्छा होटल है, 2000 बोला था,
तो कपल वगैरह के साथ अगर आते हैं, आपके पास बजट है तो उसमें रुक सकते हैं, बेस्ट होटल है। बाकी जो है कि ये होटल का रिव्यू जो है वो मैं लास्ट दिन दूंगा, क्या सर्विस है लेना या फिर और कोई अल्टरनेटिव अगर मिलता है तो मैं वो भी एक्सप्लेन वीडियो में आगे करूँगा। होटल का टूर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, कल कुछ प्लान है हमारा, तो बेसिकली जो है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर करें, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो ब्लॉग आएगा, तो उसमें जो है कि मैं सोच रहा हूँ कि होटल को इंक्लूड करने के लिए। बाकी जो है ये मॉल रोड के पास ही जो है कि एक मॉल है, उसी के पास जी जो है होटल का लोकेशन है, और होटल ठीक है, और हमने गीज़र वगैरह के लिए भी बोला था तो उन्होंने ऑन कर दिया, भी फ्रेश होना था। न्यू जलपाईगुड़ी में जो होटल लिया था इतना बकवास था, मुझे मॉर्निंग में नहाना था वहाँ पे, बट लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है कि वो बकवास होटल था कि मैं वहाँ पे जो है कि नहा नहीं सका, तो मुझे जो है कि पूरे दिन जो है कि वो एक तरह से जो है कि मूड ही कहोगे ख़राब था पूरा, तो इस वजह से जो है कि मैं जो है आके सबसे पहले नहाया हूँ, फिर हम लोग गए खाना वाना खा के अभी जो है होटल आए। अब बाकी जो है कि रूट 8 घंटा के आसपास जो है कि वो आपको लग जाता है, 7.5 से 8 घंटा जो है, 88 किलोमीटर है वहाँ से दार्जिलिंग, बट लेकिन 15-20 की जो है स्पीड में वो हमारी जो है कि ट्रेन चलती है, तो जिसकी वजह से ये बट सीनरी जो है वो बहुत ही लाजवाब है, एक तरह से मैं इसको नाम दे सकता हूँ मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट सीनरी जो है रेल रूट, तो वो है। टॉय ट्रेन जो है कि इंडिया में धीरे धीरे जो है कि ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वाइड भी जो है कि ज़्यादा है नहीं ये जो है कि ये, बट लेकिन जब तक है तब तक जो है कि आप इसको जो है एक बार जो है रूट ट्रैवल करें इस पर। और सेकेंड चीज़ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ब्लॉग है हमारा, आप वहाँ से जो है कि इसको जो है ये कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और विजुअल जो है कि वहाँ से आप देख सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन आपके पास है। और बहुत सारे ब्लॉगर जो है इस रूट पर जो है कि अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बाकी कल का जो है डे टूर है पूरा, मॉर्निंग में जो है कि बहुत ज़्यादा फॉग है, अभी फॉरकास्ट वगैरह भी हम लोग देख रहे थे तो उसमें जो है कि फॉग ही फॉग दिखा रहा है, तो टाइगर हिल हम लोग जाएंगे बट लेकिन थोड़ा लेट से जाएंगे, और जो है कि वो तो उसका भी जो है डिटेल्स वगैरह ट्रिप वगैरह का और नंबर जो होगा वो सब कल के वीडियो में आ जाएगा। बाकी होटल का जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर इस होटल का, बट लेकिन मैं रिव्यू अभी नहीं दे रहा हूँ कि लेना है या नहीं लेना है, किस टाइप का होटल है, कुछ बातें हैं जो बेटर है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब बता दूँगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं जो है कि आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जो है आप अपनों और अपनों का जो है ख्याल रखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ये जो है हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है, और ज़्यादा हमें जो है मोटिवेट करता है अलग अलग एडवेंचर करने का। और बाकी जो है कि अभी इस रूट में जो है बहुत सारा एडवेंचर है, उसके लिए जो है कि आप चैनल को स्टे कनेक्ट करके रखें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले जो है कि वो मिल जाए, और ये जो है 4-5 दिन के अंदर जो है कि आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लॉग जो है फिर नेक्स्ट बहुत सारा ट्रिप जो है कि चैनल पे प्लान है तो वो सारा जाना है। बाकी अगर और कोई भी क्वायरी हो तो उसके लिए जो है आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, लेट सेट बट रिप्लाई आपको मिलेगा, तो आप वहाँ कर सकते हो, सारा जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।
है।